और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चाहो तो टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लगातार आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं इस स्पेनिश स्टॉक के बारे में जिसका नाम है जेपी पावर। तो लगातार आप क्वेश्चन पूछते रहते हो सर, इसके ऊपर आप एक वीडियो अपडेट बनाइए कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, पर्सनली मेरे तो स्टॉक में 1 रुपए की होल्डिंग नहीं है, राइट। और मैं आपको एक रियल एडवाइस दूंगा होल्डिंग ना होने के बावजूद। आई थिंक मुझे याद है स्टॉक 2 रुपए 75 पैसे के आसपास पावर ग्रिड ने ऑलमोस्ट 74% के आसपास की स्टेक बाई की थी, तभी मैंने आपको अपडेट दिया था। और 3 साढ़े 3 रुपए के आसपास स्टॉक में एक मंथली इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न बना था जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा काम करता है, तो उस समय सजेस्ट किया था। और हर महीने जेपी पावर आर पावर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो एनालिसिस शेयर करता हूँ कि अगला प्राइस एक्शन क्या बन सकता है स्टॉक में। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग सर्च मतलब जो नीचे कमेंट करते हैं वो एटलीस्ट एक बार सर्च मार लिया करे, राइट। और वीडियोस को देख लिया करे अंत तक, क्योंकि बहुत सारी चीजें है ना बीच में मैं इंक्लूड करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि देखो, मैं आपको ना दोनों व्यू बता देता हूँ उस समय, क्योंकि होता क्या है ना, बार बार वीडियो अपडेट तो नहीं बना सकता ना कि यार इसमें ये कर लो वो कर लो, राइट। तो उसी वीडियो के अंदर मैं आपको सब अपडेट दे देता हूँ कि स्टॉक यहाँ तक जा सकता है, स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए क्यों होल्ड करना है और क्या इंडिकेटर अप्लाई करने, इंडिकेटर भी दे देता हूँ। तो समझो बात को, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियोस को थोड़ा ध्यान पूर्वक अंत तक सुना करो, बाकी आप लोगों की इच्छा, राइट। तो ये जो स्टॉक है लगातार रॉकेट होने में लगा है, 44% रिटर्न दे चुका है 4 दिनों के अंदर, जो बड़ी बात मैं मान के चलता हूँ। और रोजाना 13 करोड़ शेयर्स लोग घर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपने स्टॉक को सस्ते में बाय किया 3 रुपए 4 रुपए, तो डेफिनेटली यार 100% का रिटर्न आ रहा है, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट घर लेके जाओ, यही मैं आपको बोलूंगा। कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट घर लेके जाओ, पूरा मत लेके जाना, थोड़ा बहुत डेफिनेटली लेके जाना। और जब तक ये एक इंडिकेटर मैं आपको दूंगा, जब तक ये प्राइस इस इंडिकेटर मतलब इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक को मत बेचना। और जिनको नहीं पता कि मूविंग एवरेज क्या है, तो भाई मूविंग एवरेज एक सेटिंग होती है जो आप लास्ट कुछ दिनों का एवरेज निकाल के एक मूविंग एवरेज बन जाता है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन आप गूगल पढ़ लेना, तरीके से मिल जाएगी। मैं आपको एक ऐसा मूविंग एवरेज दूंगा जो सिर्फ आपको जेपी पावर और आर पावर में अप्लाई करना है। अगर वो मूविंग एवरेज आप दूसरे स्टॉक में अप्लाई करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि मैं पर्सनली हर एक स्टॉक के लिए एक अलग मूविंग एवरेज निकालता हूँ, राइट। आपने सुना होगा 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज, 5 मूविंग एवरेज। तो मेरा एक फंडा है, ये मेरी खुद की रिसर्च है, और ये रिसर्च ये कहती है कि जो भी स्टॉक है मैं हर साल के लिए एक स्टॉक के लिए एक मूविंग एवरेज निकालता हूँ। और लकीली 2020 में उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, 21 में भी काम किया, अब 2022 चल रहा है, तो 2022 का जो मूविंग एवरेज वो अलग निकल के आता है। जो मैंने आर पावर और जेपी पावर का जो मेरा वीडियो अपडेट था जनवरी महीने का, वहां मैंने आपको अपडेट करवा दिया था कि ये स्टॉक का मूविंग एवरेज ये है, राइट। अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो अब बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये कुछ आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड के। अब ये जो आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी है, इसमें तक कुछ खास नहीं अपडेट किया गया कि स्टॉक रॉकेट क्यों हो रहा है। तो आप बोल सकते हो जो भी स्टॉक में तेजी दिख रही है जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस मूवमेंट, ठीक है। प्राइस मूवमेंट कब आता है, जब जो बड़े बड़े इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, उनको अगर कुछ प्राइस बिहेवियर दिखता है तो बड़ा पैसा जब वो डालना स्टार्ट करते हैं तो लोगों को देख देख के सब पैसा डालते हैं। जब सब पैसा डालेंगे तो स्टॉक का प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो यहां पर आपको यही बताया गया, स्टॉक का आरएसआई ये है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्निकल चार्ट्स में। यहाँ तो आपको पढ़ने को मिलेगा और टेक्निकल चार्ट में देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक 50-100 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, SMA के ऊपर, राइट। और नीचे ये भी लिखा कि जेपी ग्रुप का स्टॉक है, लास्ट क्वार्टर में कंपनी को ऐसा ऐसा नेट लॉस हुआ था। तो मतलब वही चीजें जो आपको बतलाता हूँ, राइट। तो इसमें ये चीज नहीं बताई गई है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, क्या न्यूज के बेसिस में जा रहा है। इसका मतलब स्टॉक में करंटली कोई न्यूज नहीं चल रही है। अगर चल रही होती तो ये आर्टिकल डेफिनेटली मतलब जो वेबसाइट है ये डेफिनेटली शेयर करती, तो इसका मतलब अभी स्टॉक में कोई न्यूज नहीं है। समझ आ गया,
जो भी हो रहा है प्राइस के वजह से हो रहा है। अब प्राइस के वजह से हो रहा है तो प्राइस को कैसे रीड करना है, बहुत सिंपल तरीका है जो मैं करता हूं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ज्यादा कुछ तो नहीं आता है, जितना आता है उतना आपको बता देता हूं, ठीक है? तो देख लो एक बार, तो आप देख सकते हो जेपी पावर का मैंने चार्ट खोल दिया है, राइट। और मैंने जैसा आपको बताया एक प्यारा सा इनसाइड पर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था स्टॉक में, वो आपका यहां था, ये रहा 3 रुपए के आसपास, ठीक है? ये रहा आपका ऑलमोस्ट, एक देखो यहां बना था, एक आपका यहां बना था। यहां स्टॉक को मैंने खुद बाय किया था शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए और मेरा टारगेट अचीव हो गया था, मैंने स्टॉक से एग्जिट मार दिया था। दोबारा यहां पर एक मंथली इनसाइड पर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था और दोबारा स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो जब भी मंथली इनसाइड पर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इट विल वर्क एज अ हेल, भैया बहुत प्यारे तरीके से काम करता है अगर आप मनी मैनेजमेंट अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है? जिनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता तो भाई सीखो, सीखना ही है बस, सिंपल क्या है, आपकी जो कैपिटल है उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक में, बस ये सिंपल सा लॉजिक जिसने समझ लिया ना तो समझ लो उसने स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान जान लिया, और बाकी आपकी इच्छा, ठीक है? अब देखो स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ ब्रेकआउट किया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट को मान के चल सकता हूँ, मल्टी ईयर तो नहीं है, ये मंथली बोल सकते हैं उसको आप, ठीक है? और स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, और जैसा आपको पता है मेरा खुद का कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब तक आरएसआई अबव 70 है डू नॉट बाय, जब भी स्टॉक का आरएसआई 80 हो जाता है इट मीन्स उसको हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बाय नहीं करना। बाय तब किया जाता है जब स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करे, दिस इज द रेंज वेयर वी कैन इन्वेस्ट, ठीक है? यहाँ स्टॉक को इन्वेस्ट किया जा सकता है, अभी स्टॉक से दूरी बना के रखने में ही आपकी भलाई है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और ये स्टॉक जितना नीचे से ऊपर भागा है, ये स्टॉक आराम से आपको फ्यूचर में 5 से 6 रुपए दिखेगा। और ध्यान रखना स्टॉक अगर एक बार में चढ़ा ना ऊपर महीने में, तो 5 से 6 रुपए आने में इसको टाइम लगेगा। अगर कोई स्टॉक गिरता बहुत तेजी से है तो वो ऊपर बहुत धीरे धीरे करके जाता है, धीरे धीरे करके, ठीक है? लेकिन अगर वो स्टॉक भागा बहुत तेजी से ऊपर तो वो 5-6 महीने लगा देगा अपना नीचे प्राइस आने पे, जैसे आपका रतन पावर इंडिया था, 9 रुपए का हाई लगाया था उस स्टॉक ने, और भैया 9 रुपए से 3 रुपए आने पे उसने भैया 6-7 महीने लगा दिए, क्योंकि फंसाना भी तो है किसी को। अब फंसाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसी प्राइस में बराबर ट्रेड करते रहना पड़ेगा, राइट? अगर उस प्राइस में ट्रेड करोगे तभी तो हमारा रिटेल उसको बाय करेगा ना भाई, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अब रिटेल भी वो समझदार हो चुका है, इसलिए यहां पर आप टाइम को देखा जाता है कि कितने समय तक स्टॉक नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, वो भी मैटर करता है। तो ये मत सोचना कि 5-6 रुपए कल ही आने वाला है, कल नहीं आने वाला, टाइम लगाएगा अभी, तो आपको वहां फंसना नहीं है। 5-6 रुपए तो डेफिनेटली आएगा भाई, प्राइस प्राइस मूवमेंट इसी को बोलते हैं, ठीक है? 3 रुपए से अगर 9 रुपए गया तो 6 रुपए तो आना निश्चित है। आप जो भी स्टॉक उठा के देख लो वो रिट्रेसमेंट लेगा लेगा, अगर इसको और ऊपर जाना है तो इसको रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है? जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती आती है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? साइंस है इसके पीछे। बाकी देखो अभी क्या करना, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो, मजे लो बस। जिसका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करो, और जिसका पैसा यहाँ पर फंसने वाला है वो डेफिनेटली फंसेगा, क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं हो तो फंसाएंगे पैसा, क्योंकि मैंने बोला हर हर बार स्टॉक मार्केट में हर 10 साल में नए लोग आते हैं, और वो लोग नया पैसा फंसा के 10 साल 20 साल तक वेट करते हैं हमारा प्राइस कब आएगा, जैसे यस बैंक का है, आइडिया का है, जो कभी आता नहीं है, ठीक है? तो आपको समझदारी से काम करना है, आपको कुछ पैटर्न में काम करना है, आपको राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। और मैंने जैसे आपको बताया ये स्टॉक का पर्सनली मेरा जो मूविंग एवरेज निकल के आता है मैं आपको बतला दूं, ठीक है? वो क्या निकल के आता है वो आपको बता रहा हूँ, वो देख लो। अगर जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आप स्टॉक को होल्ड कर सकती हो, अगर इसके नीचे जाता है तो आप स्टॉक को सेल कर सकती हो या प्रॉफिट बुकिंग कर सकती हो, ठीक है? वो क्या निकल के आता है मैं अभी आपको बतला देता हूँ। बाकी यहाँ देखो स्टॉक 2018 का जो रजिस्ट्रेशन एरिया इसको तोड़ने वाला है, इसको तोड़ेगा तो स्टॉक में दोबारा तेजी आ सकती है, जो स्टॉक को 18 रुपए तक भी लेके जा सकता है। अगर तोड़ेगा, तोड़ेगा मतलब उसके ऊपर क्लोज करेगा, राइट? आप देख सकते हो जो मेरा स्टॉक का मूविंग एवरेज निकल के आता है वो है 18 नंबर का, और देख सकते हो इसने दिसंबर के महीने में यहाँ सपोर्ट भी लिया, और मैंने आपको इसके बारे में बतलाया भी था कि स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हो इस कैंडल के आसपास, एंड ये स्टॉक दोबारा का सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली आप स्टॉक को एकोमोडेट कर सकती हो। बाकी देखो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है अभी, ठीक है? दोबारा स्टॉक नीचे गिरेगा, इसी मूविंग एवरेज के आपको सपोर्ट ले सकता है, फिर दोबारा से अपनी जर्नी ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, जिस टारगेट के लिए मैंने आपको बतलाया है। और ध्यान देना अगर समाव स्टॉक इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करता है तो आप डेफिनेटली स्टॉक से एग्जिट मार लेना, शॉर्ट टर्म गेन्स बुक कर लेना, ठीक है? ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर नहीं करोगे तो स्टॉक अगले 1-2 साल तक देखो ऐसे रेंज बना के घूमते रहेगा, ठीक
तो आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपका पैसा वहां पर आपको रिटर्न कमा के नहीं देगा, वो पड़ा रहेगा ऐसी की ऐसी। तो ये 18 मूविंग एवरेज डेफिनेटली आपकी मदद करेगा इस काम को देखने में कि भाई मुझे स्टॉक से एग्जिट मारना है, नहीं मारना है। समझ आ गया? ये सिर्फ जेपी पावर का है, बाकी आर पावर का मैं आपको बता दूं उसका क्या सीन है। तो आर पावर में देखो तो अभी ये रेंज बना रहा है, और आई थिंक ये स्टॉक हमारा यहाँ कहीं एक्टिवेट हुआ था बाय, तो अभी देखो स्टॉक अच्छा खासा रेंज बना रहा है। ठीक है, तो अभी ये स्टॉक रेंज बना रहा है, और ये अगर रेंज की मैं बात करता हूँ डेफिनेटली स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो 70 रुपये के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं एज पर दिस ट्रेंड लाइन, राइट। बाकी अगर बात करते हैं इंटरडे में क्या हुआ है, तो आपको इंटरडे का दिखा देता हूँ, जेपी पावर का कितने सारे शेयर यहाँ पर लोग घर लेके गए। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 करोड़ शेयर लोग घर लेके गए। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, मैंने जेपी पावर और आर पावर का सेपरेट वीडियो बना रखा है इस महीने का, जनवरी महीने का, तो उसको एक बार वॉच कर लेना। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा कि आप जेपी पावर और आर पावर में क्या करके चल सकती हो बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि आर पावर में देखो मूवमेंट तो नहीं आई है, लेकिन हाँ इसमें मूवमेंट आ सकती है, तो अगर आपको उस मूवमेंट को कैच करना है तो वीडियो पक्का देख लेना कैसे कैच करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया उसका रजिस्ट्रेशन एरिया क्या बनता है, राइट। एरिया है राइट, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकती हो अगर आपको करना है। बाकी स्टॉक का जो मूविंग एवरेज है आई थिंक नीचे कमेंट कर देना, या फिर मैंने आई थिंक इसका बना रखा है, मेरे जो वीडियो है ना वाला उसमें डाला हुआ है, आप उसको वहां से देख लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगता है निकालने में ना, तो एक बार वहां से देख लेना आप जो भी। और ध्यान रखना जो भी मूविंग एवरेज आपको बताता हूँ उसको लिख लिया करो कॉपी पेन में कहीं, क्योंकि वो 2022 के लिए एप्लीकेबल है, और कभी कभार मूविंग एवरेज निकालने में गलती भी हो जाती है। तो कभी कभार क्या होता है ना, मैंने आपको 18 का बताया तो वो 20 का निकल के जाता है, तो क्योंकि कभी कभार गलती हो जाती है मेरे से भी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, क्योंकि मैं जैसा आपने अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी के अभी मैं मूविंग एवरेज निकालता हूँ। ठीक है, मैंने भी कहीं कॉपी पेन में लिखा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। ठीक है, मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो मैथ पे कभी गड़बड़ी हो जाती है, तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो माइंड मत करना कि मैंने कभी 18 बोला तो कभी 20 बोला। ठीक है, उसको आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, समझ आ गया? मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। जो बातें बोली उसको पक्का फॉलो करना, राइट। किसी के बातों में मत आना, जो जो सस्ता है सस्ता है, जो महंगा है महंगा है। और एक और बात ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ सेटअप है जो आपको टॉप में, मतलब जो टॉप होता है हाई होता है वहां पैसा कमा के दे सकता है, तो भाई डेफिनेटली बाय करो। लेकिन अगर आपका कुछ सेटअप नहीं है ना, तो भाई इग्नोर करो, तुक्का मत मारो। अगर तुक्का मारोगे 10 दिन लग जाएगा, 90 दिन गड्ढे में जाने वाले हो, मर्जी आपकी अब। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।